बात मीडिया तक रखी, लेकिन अब एक बड़ा सवाल है कि यहां पर समाज में दो तबके हैं जो एक 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 बाबा को ढोंगी बता रहे हैं, कुछ लोगों ने बाबा पर अपना आस्था प्रकट किया। एपी सिंह साहब से ही जानते हैं सर, दो लोग दो तरीके की बात कर रहे हैं। कल मधुकर ने सरेंडर किया, सरेंडर करने के बाद बाबा का वीडियो सामने आया आपके माध्यम से, अब बाबा को कष्ट हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हमने आपसे न्यूज 18 से और देश की मीडिया से, SIT से, STF से, UP पुलिस से, उत्तर प्रदेश सरकार से एक वादा किया था कि जो गलत FIR हमारे आयोजकों के खिलाफ काट दी है, जल्दबाजी में इतना ही हो सकता था, लेकिन उनके पास, जांच एजेंसियों के पास पूरे अधिकार हैं कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था वो जांच में आएंगे, वीडियो फुटेज देखे जाएंगे, मोबाइल के बनाए देखे जाएंगे, उसमें उन्हें पता चलेगा और असली दोषी बख्शा नहीं जाएगा, बचना नहीं चाहिए। मधुकर इंजीनियर रहे मुख्य आयोजक, मैं मान रहा हूं, मैं कुछ छिपा नहीं रहा, कोई तो कोई मुख्य होगा, अब 1, 2, 3, 4 कोई तो नंबर 1 पे होगा, उसे आप मुख्य बना लो, आप उसे कुछ भी बना लो, वो पढ़े लिखे इंजीनियर तो उन्हें मुख्य बना दिया, नीचे भी और है। आयोजक किस लिए जरूरत पड़ते हैं? आयोजक इसलिए जरूरत पड़ते हैं जल व्यवस्था, वाहन व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं कौन करता है? ये सारी व्यवस्थाएं आयोजक तो करते हैं, उन्हीं के लोग हैं, सब व्यवस्थाएं करते हैं उन्होंने की। अब उसके बाद भी आप सोचिए, आप कितनी विडंबना रही इस केस में, मरने वाले कौन? हमारे, पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं है, चाइना के नहीं। अगर पाकिस्तान के आतंकवादी होते ना साहब, तो हमारे देश में कई ऐसी पार्टियां हैं जो उनको सपोर्ट करने बैठ जाती, लेकिन हमारे मरने वालों को सपोर्ट करने के लिए नारायण साकार हरि को जिम्मेदार ठहराओ, मधुकर क्यों नहीं अरेस्ट हुए, ये टाइटल बन रहे थे ना कल, मधुकर फरार। एक दिन पहले FIR हुई, क्या ये सिस्टम है? अगले दिन इनाम घोषित हो गया, क्या कोर्ट में 82-83 की प्रोसीडिंग नहीं होती है? क्या CRPC नहीं है? नया कानून हो चाहे पुराना कानून है, देश तो कानून से चल रहा है, संविधान से चल रहा है, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए था, न्याय सबको मिलना चाहिए था। क्या कभी ऐसा हुआ आयोजक अपने लोगों को मारने लगे? 80,000 की लिमिट में अगर 2.5 लाख लोग पहुंच रहे हैं तो ये जिम्मेदारी भी तो आयोजक की होनी चाहिए कि वो प्रशासन को अलर्ट करे, खुद को अलर्ट करे। हमारे आयोजकों ने 80,000 की अनुमति ली है ना, 80,000 जिगरा चाहिए 80,000 लोगों के लिए, बड़े बड़े राजनीतिक दल नहीं इकट्ठे कर पाते हैं 80,000। खेत में तो 1.5-2 लाख भी खड़े हो जाएंगे उसमें, क्या खेत, इसीलिए हमने खेत किया है। आपने बिल्कुल सही कहा, ग्राउंड जीरो पर आपके चैनल ने रिपोर्टिंग की, खेत है, वहां कोई गेट नहीं लगाने की जरूरत पड़ती, खुलेआम खेत है, और हमारे किसान मिट्टी में वाले हैं, हमारे भक्त मिट्टी वाले हैं, धरती में ही मिट्टी से बने, मिट्टी से ही रहते हैं, उन्हें कोई कालीन, उन्हें कोई कुर्सी, उनके लिए सोफा की नहीं जरूरत पड़ती है, वो तो मिट्टी में आराम से बैठते हैं, नारायण हरि का सत्संग सुनते हैं, अपनी मनोकामना मन में मांगते हैं, उनकी पूरी हो जाती नहीं हो जाती वो जाने, उससे हमें नहीं मतलब है, वो तो उनका भाव है। लेकिन इस देश में करोड़ों फॉलोअर्स नारायण साकार हरि के हैं, जो इस देश में, मैं उनसे अनुरोध करता चाहता हूं आपके न्यूज 18 के माध्यम से कि वो शांति बनाए रखें, कानून में विश्वास रखें। नारायण साकार हरि ने भी भरोसा दिया है कि शासन प्रशासन पर विश्वास रखें और इस तरह से शांतिपूर्वक चलें। इतने दिन बाद वीडियो आने के पीछे वजह क्या रही? अचानक इतनी मौतें हो गई, लोग भिलक रहे थे, जब जरूरत थी तब वो नहीं आए, क्या कोई प्लान? इतनी बड़ी, देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में 26 वर्षों से वकालत कर रहा हूं, क्या आपने कभी ऐसी घटना स्वयं देखी थी? हमने अभी अभी मक्का की घटना सुनी थी, देखी नहीं थी। हमने 1965 की कुंभ के समय 800 लोगों की मौत पढ़ी है, सुनी है, देखी नहीं थी। ये घटना हमने अपने आंखों से देखनी पड़ी, आपने ब्लर करके वीडियो दिखाए, तब मुझे लगा, मैं बचपन में पढ़ता था, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, हानि लाभ और जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ है, लेकिन विधि भी कुछ होती है। घटना हुई, दुर्घटना हुई, नारायण साकार हरि सबने, देश ने, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने शोक संवेदना व्यक्त की, प्रतिपक्ष ने, सभी ने, दुनिया के लोगों ने इस पर शोक संवेदना व्यक्त की, हम उनका धन्यवाद करते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने सहायता राशि के रूप में 2 लाख रुपए और तुरंत चलती हुई 18वीं लोकसभा के सदन में बीच में रुककर उस शोक संदेश को रखा सबके सामने, संवेदना व्यक्त की,
और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने अपने डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को तुरंत भेजा, वहीं रुकने के लिए बोला जब तक वो नहीं गए, और होम सेक्रेटरी को भेजा और वो वहां रहे, 2 लाख रुपए की सहायता राशि भी घोषणा की। मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने तुरंत एनडीआरएफ टीम को गाजियाबाद से ही भेजा, क्योंकि किसी को आशा नहीं थी कि सिकंदरा राव हाथरस और एटा अलीगढ़ में इतने अस्पतालों की आवश्यकता थी। आवश्यकता तो रहती है, हॉस्पिटल की कमी पड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था इतने हॉस्पिटल ओवर क्राउडेड हो जाएंगे, इतनी लाशें पहुंच जाएंगी, इतने अनजर्ड पहुंच जाएंगे, लेकिन घटना हुई, दुखद घटना हुई, और उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने तुरंत आनन फान में सारे काम, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन तक कोई काम और नहीं किया, सिर्फ इसी घटना पर अलग से वार्ड बनाए गए थे। हम हॉस्पिटल में गए, सिकंदरा राव स्पेशल वार्ड, वहाँ स्पेशल वार्ड सभा, बाबा तो सामने नहीं आए, हुआ तो सब उन्हीं की वजह से। अब बाबा 5, 8, 10 दिन बाद सामने आ रहे हैं। नारायण साकार हरी किसी एफआईआर में नामजद हैं क्या? नहीं, अभी बिल्कुल वांटेड हैं क्या? नहीं। कोई उनसे किसी को पूछताछ करनी है क्या? बिल्कुल, पुलिस को तो बिल्कुल करनी होगी, आप तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। लेकिन जब पुलिस लगातार उनके, देखिए पुलिस उनके जो उनका घर है उसके बाहर है, सवाल घर कहीं, सवाल देखिए खड़ा तो उनका घर कहीं नहीं, उनका घर कहीं नहीं है, उनके आश्रम होते हैं और वो आश्रम उनके नहीं होते हैं। अगर कोई भी आश्रम इस देश में नारायण साकार हरि के खुद के नाम है, तो मैं आपको उनके एडवोकेट होने के नाते डॉक्टर एपी सिंह घोषणा कर रहा है कि वो आश्रम न्यूज 18 को हम डोनेट करते हैं, आप उनके देश हित के लिए काम करें। आश्रम आश्रम की तरह होना चाहिए ना, किले की तरह नहीं होना चाहिए, जहां पर 12 फुट 15 फुट दरवाजा हो, दीवाल 12 फुट होना चाहिए। वो नारायण साकार हरि मिस्त्री हैं, मिस्त्री नहीं है, लेकिन है, भाई बनाया है। 3-3 लेयर की उनकी सिक्योरिटी होती है, लोग वीडियो ही नहीं बनाने देते हैं, ये सब क्या है? अगर आप, हमने हमारे ऑफिस का दरवाजा इतना चौड़ा दिखाइए, ये कितने दरवाजे होते हैं चौड़े? दरवाजे 3.5-4 फुट होते हैं। हाँ, ये कितने मालिक है? मेरी इच्छा है, बस सवाल वही है, मेरा भी वही सवाल है। वो मालिक नहीं है, जो मालिक है, मालिक आयोजन समिति है, बनाने वाला है, ट्रस्ट है, उन लोगों ने लगाया। नारायण साकार हरि का क्या मतलब? साकार हरि को सामने आके बोलना चाहिए था, इसको नीचे करो, इतना ऊपर लंबा करने क्या जरूरत? उन्हें बनते समय नहीं आते, देखिए देखिए बाबा आते हैं, बनते समय नहीं आते, जब बन के सज के तैयार हो जाता है तब उन्हें अतिथि की तरह बुलाया जाता है। कहते हैं कि किले में रहिए, किला थोड़ी है साहब, अतिथि की तरह बुलाया जाता है, बिठाला जाता है। मैं देखिए न्यूज 18 इंडिया न्यूज 18 बहुत बड़ा चैनल है, आपके बहुत बड़े उसके सोर्सेस हैं, आप हमने अपने स्टूडियो में बुलाते हैं, कितना बड़ा स्टूडियो है, कितना अच्छा, कितने किला थोड़े ना है, वो सबका स्वागत। अरे वहां नोएडा में किला थोड़ी बनेगा, वहां तो फ्लोरें बनती हैं, वहां तो फिर आकाश में भी, हाँ तो फिर तो खेतों में बनते हैं। बड़े दिन बाद बाबा को जब मामला हाइप हुआ, महानगरों में रहोगे तो दड़वों में रहोगे सिंह साहब, लेकिन सिंह साहब इतने दिन बाद आना, बाबा का इतने दिन बाद आना सामने, ये थोड़ा हजम नहीं हुआ, किले की तरह उसमें रहे लोगों ने? तो कल ही तो कहा था आपने कि न्यूज 18 ने कहा था कि लेटर से नहीं बल्कि सामने आना चाहिए, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी, अगले दिन पूरी कर दी। आपने कहा मधुकर फरार, हमने कहा नहीं, मधुकर हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, हार्ट, और मैंने एंटीसिपेटरी बेल नहीं किया, सरेंडर नहीं लगाया, अरेस्टिंग स्टे नहीं लगाया, अंडरवर्ल्ड हाई कोर्ट ने, सब कोर्ट खुली थी, कोई छुट्टी तो नहीं थी इस समय, सब कोर्ट वर्किंग थी, कहीं कोई हमारी तरफ से आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ पत्रकार, कोई नहीं, मेरा वादा था नहीं, हम क्यों करें, हमारे लोग मरे, सुशील जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे लोग मरे, जिन गाड़ियों में हम उन्हें लेके गए, अपने माता पिता भाई बहन चाची ताई मौसी नानी दादी जीजा जीजी को लेके गए, जिनको हम वहां, उन लोगों को हम अपनी उन्हीं गाड़ियों में लाश बना के ले आए, लाश, वो कौन लोग थे जिन्होंने हमारे लोगों को लाश बना दिया और हमें जिंदा लाश बना दिया? हम जिंदा हैं, सेवादार जिंदा है, लेकिन जिंदा लाश बने हुए हैं, क्योंकि 121 लाशें मरती हुई देखी हैं, सैकड़ों लोगों को इंजर्ड होते हुए देखा है, अपने घर को खुद बर्बाद होते हुए देखा है, हमारा खुद अपना घर बर्बाद हो गया है। तो कौन साजिश कर दिया, आखिर क्या वजह है? एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, हो सकता है सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश हो सकता है हिंदू सॉफ्ट टारगेट है उसको की हो, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है सिंपैथी दिखाना दूर, मधुकर फरार बाबा कहां? अरे साहब मक्का मदीना में आपने पूछा, मक्का मदीना में न्यूज 18 ने पूछा, कहां है मक्का मदीना के? नहीं चलाएंगे आप खबर, नहीं पूछेंगे कौन है मक्का मदीना का जो रजिस्टर्ड करके भेजता रहा हजारों लोगों को, कौन पहुंचा पर मरवा दिए पूरे देश के मुसलमानों को, दुनिया के मुसलमानों को, कौन जिम्मेदार है इस्लाम को खत्म करने की साजिश रच रहा है? कोई तो था ना,
कोई तो था ना। मतलब इस्लाम भी खत्म करने की साजिश रच रहा है, सनातन धर्म भी रचने की साजिश रच रहा है। आतंकवादी क्या करते हैं? तो आपको क्या लगता है इसमें आतंकवादी साजिश है? मैं ये नहीं कह रहा, कुछ ना कुछ तो रहा होगा, कोई ना कोई तो कार। और एक बात और बता दूं, जिसने साजिश रची उसने नहीं सोचा होगा कि इतने लोग मर जाएंगे। उसने एक दो का जरूर सोचा होगा, इतना कर दें हरदम बचा दें, ऐसा हो जाए, कोई ना कोई बुजुर्ग महिला देख रहे हैं। और महिलाओं की तरफ ही क्यों हुआ? आप देखो ना, महिलाओं की तरफ क्यों हुआ, बच्चों की तरफ क्यों हुआ, पुरुषों की तरफ क्यों नहीं हुआ? पुरुष मजबूत होता है, पुरुष की तरफ नहीं हुआ। पंडाल इधर था, पंडाल के बाद हाईवे था, हाईवे के बाद सड़क थी पूरी, सड़क के पार वहां हुआ है, घटना वहां हुई है, अलग पंडाल से अलग। तो बाबा भाग क्यों गए? बाबा भागे, वो तो 30 से 35 मिनट पहले वहां से निकल जा चुके थे, समापन कर चुके थे। अब आप न्यूज 18 का इंटरव्यू लेके जाओगे ना कभी? जाने के बाद क्या होता है? क्या सुशील जिम्मेदार हैं? आप बताइए मुझे, क्या न्यूज 18 के सीनियर रिपोर्टर यहां से रिपोर्टिंग करने जाने के बाद मुझे कुछ भी हो जाए आप जिम्मेदार हैं क्या? नहीं है, सामने के जिम्मेदार हैं। यही मैं कह रहा हूं, हां निलाभ जीवन मरण यश अपस विध्यान, आपका कैमरामैन वांटेड बना दिया जाए, आपकी गाड़ी पे आया हुआ ड्राइवर वांटेड बना दिया जाए, आपका स्टूडियो पे लाइव करने वाला वांटेड बना दिया जाए। इतनी अगर सिंह साहब नहीं अगर घटना इतनी गंभीर थी तो बाबा को तुरंत सामने आना चाहिए था। बाबा तुरंत आए, मुझे इंगेज किया ना, आपको इंगेज किया, ये तो वेल नोन है। नहीं आप गए, मेरे फोन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा को इतने दिनों बाद आना ये समझ से परे है। जब उनकी उनके देखिए उनके श्रद्धालु जब बिलख रहे थे, उनके श्रद्धालु जब ये चाह रहे थे कि बाबा आए सामने आए, तब बाबा अपनी व्यवस्था सेट करने में लगे हुए थे कि हम अपना लीगल सेफ कैसे करें, अपने आप को कैसे बचाएं। गुनाह है क्या? बिल्कुल गुनाह नहीं है। डॉक्टर एपी सिंह से मिल नहीं, 123 मौतें, एपी सिंह साहब आप समझ रहे हैं? सुनो, डॉक्टर एपी सिंह को इंगेज करना गुनाह है कोई क्या? मैं अच्छा एडवोकेट हूँ कि ये नहीं बताया? न्यूज 18 पहले ये बताया मैं अच्छा एडवोकेट हूँ कि नहीं? उसमें तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। सही हूँ, वकालत ठीक करता हूँ अपने दिमाग से जितनी मेरी क्षमता है, संपूर्ण तो कोई नहीं होता है दुनिया में, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से सही करता हूं। आप वेरीफाई कर रहे हैं इस बात? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लीगल से जुड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट के सुनते हैं सब कर। क्या ऐसी घटना के बाद स्तब्धता नहीं आती मन में? कुछ शब्द ना बोलने का नहीं लगता है क्या? अंधेरा छा गया है हर तरफ, कानों से चीत्कार गूंज रही है, जब आंख खोलते हैं तो लाशें दिखती हैं, बच्चे मरे देखते हैं। जो लोग व्यवस्थाओं में थे, जो थोड़ी देर पहले जल व्यवस्था में थे, तो थोड़ी देर पहले व्यवस्था पंडाल में दरी बिछाने में थी महिलाएं लगी हुई, वो तुरंत लाश बन गई, ऐसे पड़ी है चित, उन्हें अपने शरीर का होश नहीं, लाश हो चुकी है, किसी को अपने कोई सामान का होश नहीं, कोई इसके ऊपर पड़ा है, कोई उसके ऊपर पड़ा है। कितना बीभत्सकारी दृश्य, ये केवल फिल्मों में देखा गया था, लेकिन सच्चाई में हमने देखा है, आपने देखा है, आपने ग्राउंड तो मिल गया है, ब्लर करके आपने चलाया, आप नहीं दिखा सकते थे इतनी बड़ी बीभत्स घटना को, आपने घटना दिखाई ब्लर करके, दिखाना जरूरी होता है। किसकी है फिर आपके हिसाब से? एंटी सोशल एलिमेंट्स की, एंटी सोशल एलिमेंट्स की और वक्त की। हां निलाभ जीवन, आपकी मधुकर से बातचीत हुई होगी? मधुकर ने साफ कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। मधुकर कितने आयोजन करवा चुके हैं, हर कमेटी वाला हर जनपद का आयोजन इच्छा रहती है उसकी, हर जैसे कोई आयोजन करता है किसी का कार्यक्रम रखता तो हर व्यक्ति आए। वो तो मधुकर भी तो डरा होगा सिंह साहब, पुलिस है, इतना बड़ा केस है, निश्चित रूप से मधुकर भी डरे होंगे। 3 दिन में हार्ट पेशेंट दिल्ली बुला के, क्योंकि यूपी में मुझे नहीं लग रहा था उसका कोई इलाज कर पाता, यूपी में तो इलाज हो ही नहीं पाता, दिल्ली में उसका इलाज हुआ और मैंने जैसे डॉक्टरों ने स्टेबल लिखा हमने तुरंत बता दिया आइए और आप ले जाइए इनको। अच्छा। अब तुरंत आपको सूचना दी, दो काम किए उन्हें और आपको बराबर की सूचना दे दी। मधुकर से आपकी जो बातचीत हुई उसकी तरफ से क्या कहा गया? वो उसने कहा एंटी सोशल एलिमेंट्स आए घुसे और उन्होंने धड़ाधड़ इतना हंगामा मचाना शुरू कर दिया। देखो सेवादार होते हैं वो आपस में ही तो होते हैं, जो बैठते हैं, जो बैठने वाले वो क्यों किसी पे चढ़ जाएंगे, मार जाएंगे, कुचल देंगे? ये तो बाहरी व्यक्ति कर रहे थे। फिर उसको भगदड़ शुरू हो गई, जब भगदड़ शुरू हो गई तो भगदड़ शुरू हो गई। अब कुंभ में 800 लोगों की मौत हुई, क्या कोई किसी के दुश्मन थे? क्या कुंभ के आयोजन की कोई गलती थी? भाई महाकुंभ है, कुंभ है और प्रयागराज है, पहुंचते हैं, आस्था श्रद्धा विषय, लेकिन 800 तो आइडेंटिफाइड लाशें आई थी वहां से उस समय। यूपी सरकार ने बड़ी बात कही है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है बाबा का भी नाम FIR में हो, तो क्या लीगल तैयारी है बाबा की? देखिए नारायण साकार हरि
लॉ अवॉर्डिंग सिटीजन है, कानून में विश्वास करते हैं, सरकार पर भरोसा करते हैं, शासन प्रशासन पर भरोसा करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। न्याय में विश्वास करने वाला व्यक्ति, प्रभु परमात्मा में अपनी आत्मा पर विश्वास करने वाला व्यक्ति सदैव, वो कोई अपराधी नहीं है, हैबिचुअल अफेंडर नहीं है, प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, कोई उन्होंने घोटाला नहीं किया, उन्होंने कोई चोरी डकैती नहीं की, दुर्घटना हुई है, घटना हुई है, उसमें साजिशकर्ता शामिल है, षड्यंत्रकारी शामिल है। षड्यंत्रकारियों की बात नारायण साकार हरि जी को पता चली, आपने देखा है उनके बाइट में, उन्होंने बोला है इस बात को कि षड्यंत्रकारी बख्शे नहीं जाना चाहिए और उसके लिए हम अलग से अब कार्रवाई करेंगे। हमें मधुकर को सरेंडर कराने का वादा किया था, मैंने पूरा किया। आपको साकार हरि की वाइट का वादा किया था, वो आपको मिल गई। अब एफआईआर में हमारी नजर में कोई वांटेड नहीं है, आपकी नजर में कोई वांटेड नहीं। अब आपके यहां से कोई ये खबर नहीं चलेगी, ये फरार, ये भागा हुआ, ये भगोड़ा है, ठीक है। हमने अपने दायित्व का निर्वाह किया, जो वादा किया देश की मीडिया और सबसे, हमने वो पूरा कर दिया। लेकिन मैं और कहना चाहता हूं, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए चाहिए। हम पर विपत्ति आई है, आपत्ति आई है, धीरज धर्म, धर्म की बात है, धीरज धर्म परखना है। इस समय हमारा वक्त बुरा है, लोग बुरे नहीं हैं, नारायण साकार हरि और